रिकाउंटिंग की मांग को लेकर खरसान मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी काफी संख्या में खरसान के लोगों ने धरना स्थल पर बैठकर मुखिया की मांगों का समर्थन किया। मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि खरसान पंचायत की मतगणना में अनियमितता साफ दिख रही है। पूरे साक्ष्य के साथ निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है। मतगणना के समय भी आवेदन देकर रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। पदाधिकारियों ने रिकाउंटिंग का आश्वासन तो दिया, लेकिन अंत समय में मतगणना कराने से मुकर गए। बाद में मुझे मामूली वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया। जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है, तब तक धरना जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अनशन भी किया जाएगा। मौके पर शंभू साव, देवनंदन साव, बलराम साव, अनिल माली, वासुदेव यादव, दिलीप चौधरी, संतोष सिंह, संजय साहा व गुल्ली यादव समेत काफी लोग उपस्थित थे। आज धरना का दूसरा दिन है। अभी तक प्रशासन कोई हम लोग का बोलने नहीं आया कि क्या निर्णय लिया है, नहीं अभी तक हम लोग का दूसरा पर बैठ चुके हैं और हम लोग का कोई अभी तक कोई बोलने के लिए कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया हुआ है। और हम बस अधिकारी लोग से यही चाह रहे हैं कि हम लोग का दोबारा गिनती किया जाए और हम लोग से कुछ इससे को नहीं है कि हम लोग का दोबारा गिनती कर दिया जाए और मामला यहाँ ख़त्म है। दिक्कत इस बात की है कि जब हम वहाँ पे रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिए थे, ठीक है, तब बोले ठीक है एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम पेपर लाएँ, पेपर लिख के हम दिए उसको, बोले ठीक है रिकाउंटिंग किया जाएगा। और CO साहब जो हैं, हम 10 बार उसके पास गए कि सर करवा दीजिए, बोला ठीक है अभी उपरेली पीहरा का चल रहा है, उसका हो जाने बाद हम तुम्हारा कर देंगे। यह कहते कहते फिर अचानक बोले कि ठीक है, फिर DC साहब आ रहे हैं, DC साहब आएंगे उसके बाद कर दिया जाएगा। फिर अचानक फिर हम दोबारा गए, फिर बोलता कि अब नहीं होगा, टाइम ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, और हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। अब यही कहना है कि रिकाउंटिंग किया जाए फिर से, दोबारा किया, इससे हम लोग का संतुष्टि हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस रिकाउंटिंग चाहिए हमको। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग धरना यहाँ स्टार्ट रहेंगे, हालांकि चुप रहेंगे चाहिए, लेकिन हम लोग बैठे हुए यहाँ पर रहेंगे बस यार। भूख हड़ताल पर भी हम आगे आके कर सके, हो सकता है कि और ऊपर भी हम जा सकें, ठीक है, न्यायालय भी हम खटखटा सकते हैं दरवाज़ा, लेकिन बस हम लोग यही निर्णय CO साहब से कर रहे हैं या DC साहब से कि हम लोग को पुनः मतलब हमको रिकाउंटिंग के लिए जवाब दे दे बस, और हम लोग का कुछ ना जवाब दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, तो हम लोग धरना लगातार हम लोग का चालू ही रहे।